एक शेर में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, देखिएगा अगर अच्छा लगे और सच्चा लगे तो आप जुड़ने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, कि अपनी उलझन को बढ़ाने की जरूरत क्या है, अपनी उलझन को बढ़ाने की जरूरत क्या है और छोड़ना है तो बहाने की जरूरत क्या है, अपनी उलझन को बढ़ाने की जरूरत क्या है और छोड़ना है तो बहाने की जरूरत क्या है, और साथ रहते हो मगर साथ नहीं रहते हो, ऐसे रिश्तों को निभाने की जरूरत क्या है। आप लोग साथ तो हैं लेकिन साथ नहीं निभा रहे हैं, निभाएंगे। जोरदार तालियां बजाइए हमारे नए मेहमान के लिए। नजर इलाहाबादी का इस्तकबाल करें, चार्जर की तरह काम करेगा, यकीनन नहीं करेंगे तो आप मुझे शिकायत कीजिएगा। भैया इको बंद कर दीजिए एकदम, जी जी एकदम बंद कर दीजिए, नहीं इको से बहुत दिक्कत होती है। असल में मैं समझ नहीं पाता, इधर हम बोल रहे हैं लगता है मेरे वालिद साहब भी बोल रहे हैं। दिल के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, दिल के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, और चुभ जाए जो बात वो घटिया नहीं होती। दिल के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, और चुभ जाए जो बात वो घटिया नहीं होती, और मुझे मालूम है तमाम घरों की कीमत, मगर वे घर घर नहीं लगते जहां बिटिया नहीं होती। बस अब इतनी अच्छी पंक्तियां मैं नहीं पढ़ूंगा, ये तो मैंने केवल इसलिए पढ़ दिया ताकि आप लोग जान जाएं कि मैं भी खानदानी हूँ। अरे वाह 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 वाह, सबूत पेश कर दिया खानदानी। निश्चित रूप से आज डैश पे बहुत ही मोतबर शायर बैठे हुए हैं, कवि बैठे हुए हैं, मैं इन सभी बहुत बड़े बड़े कवियों को फॉर्मेलिटी में प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, मगर आप सभी सामईन को दिल की गहराई से हजार हजार बार सलाम करता हूँ। वाह, नहीं हमें पता था कि आप लोग अपनी मक्खनबाजी पर ताली बजाते हैं। भाई साहब देखिए, ये मैंने इसलिए भी कहा कि ये जितने शायर बैठे हुए हैं ये सब बहुत पढ़ लिख करके शायर है, बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है, और मैं इनसे थोड़ा अलग टाइप का हूँ। असल में मैं पत्नी के द्वारा ठोक पीट कर बनाया गया कवि। वाह 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 वाह, सही बात कहने में क्या दिक्कत है ये दिल भाई, सही बात कहने में क्या दिक्कत है। देखिए नहीं, पहले तो मैं राष्ट्रभक्ति की कविता पढ़ता था लेकिन मैं अब नहीं पढ़ता। असल में दिल भाई मेरी पत्नी ने मना कर दिया कि तुम राष्ट्रभक्ति की कविता मत पढ़ा करो। मैंने कहा क्यों न पढ़ें, तो उसने कहा पढ़ोगे तो चिल्लाओगे। मैंने कहा राष्ट्रभक्ति तो चिल्ला के पढ़ी जाती है, तो उसने कहा तुम मेरे हर काम में टांग अड़ाते हो, अरे जब घर पर चिल्लाने के लिए मैं हूं। देखिए आप थोड़ा सा मन बनाएंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको हंसाने कुदकुदाने का ज्यादा प्रयास करूंगा भाई साहब, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं राष्ट्रभक्ति नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा तरीका बदल दिया। आप आनंद लीजिएगा, मैं आपके आनंद के लिए, देखिए मैंने कैसे तरीका बदला। याद करिए 2017, यार इको है क्या, इको वो बंद कर दे। हाँ, 2017 हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की ताजपोशी यानी शपथ ग्रहण समारोह जैसे ही संपन्न हुआ वैसे ही घोषणा हो गई कि सारी सड़कें 15 जून तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अब भाई बड़ा प्रदेश है, बहुत काम है, नहीं हो पाया दिल भाई वो गड्ढा ही पाटे का। तब मेरी राष्ट्रभक्ति जगी, मैंने लोगों को समझाया, मैंने कहा आंखों में आंसू भी होंगे, आंखों में आंसू भी होंगे, जज्बात तो आने दो, अरे पूरे सारे सपने होंगे, रात तो आने दो, और गड्ढों से
रात तो आने दो और गड्ढों से मुक्त सड़क होगी, ये वादा अपना है। अरे सारे गड्ढे भर जाएंगे, बरसात तो आने दो। देखिए, अगर थोड़ा मैं थोड़ा इशारे से बात कहता हूं, अगर आप ऐसा सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि नहीं भांट मैं दरबारों का, नहीं किसी से डरता हूं, और जनगण मन का संवाहक सच को सच ही कहता हूं। ये पंक्तियां आपको पसंद आई हो या ना आई हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आई। रात में उन्होंने फोन किया, बोले नजर भाई, मैं तो बहुत दिनों से एक ऐसे कवि को ढूंढ रहा हूं जो कुछ करे ना करे मंचों से सच को सच तो कहे। मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं भी विगत 10-12 सालों से एक ऐसे ही प्रधानमंत्री को ढूंढ रहा हूं जो कुछ करे ना करे भाषणों में कहे तो। कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ लोगों ने नहीं बजाई। लोग ये सोच रहे हैं, हम जानते हैं क्यों नहीं बजाया, वो ये सोच रहे हैं कि दो पैसे के नजर इलाहाबादी प्रधानमंत्री से बात करेंगे। भाई साहब, जब से अपने देश में आदरणीय केजरीवाल जी का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से मैं हर बात का सबूत रखता हूं। मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि मेरी प्रधानमंत्री से बात होती है कि नहीं, आप आनंद लीजिएगा। केवल 2017 हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की ताजपोशी, शपथ ग्रहण समारोह, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा कि मंच पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी मौजूद थे। और सबको याद होगा, टीवी सब ने देखा होगा कि माननीय मुलायम जी ने आदरणीय मोदी जी के कान में कुछ कहा था। क्या कहा था? नहीं, किसी को नहीं पता, इसलिए कि प्रधानमंत्री से बात तो मेरी होती है, मतलब वो भी राज है। माननीय मुलायम जी ने अगर देखिए मेरी बात सच्ची हो तो मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आशीर्वाद का मतलब आपका हौसला। माननीय मुलायम जी ने आदरणीय मोदी जी के कान में क्या कहा होगा? माननीय मुलायम जी ने आदरणीय मोदी जी के कान में क्या कहा होगा? आप लोग सोचते हैं माजरा कुछ खास रहा होगा। अरे मुलायम जी ने मोदी जी के कान में कहा, मित्र मित्र तुमने एक काम अच्छा यही किया, मित्र तुमने एक काम अच्छा यही किया। अरे सदा सुखी रहोगे यार जो बेटा पैदा। वाह, नहीं इसी का लफड़ा था। देखिए, मैं ऐसे ऐसे आपको राजनीतिक बातें गैर राजनीतिक ढंग से मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। एक बात आपको बता दूं भाई साहब, मैं हर बात का सबूत रखता हूं। जैसे देखिए, मैं पत्नी के द्वारा ठोका पीटा गया हूं। अब आप ये सोच रहे हैं दिल भाई इसके बारे में कुछ बताया नहीं। सुनिएगा भाई साहब, इलाहाबाद से आया हूँ, बहुत बड़ा मेला लगता है कुंभ का। एक साल हम भी नहाने गए, लेकिन देखिए कैसे गए, कैसे पत्नी के द्वारा ठोके पीते गए। हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। पत्नी ने ठेल दिया, हम गए न अपने आप से। अब घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था, पहुंच रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में चढ़ना था, अम पत्नी के तन पर सोने के गहने 200 तोले थे, अब मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे। अब जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे, पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे। अरे रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है, क्या बतलाऊं मेरी पत्नी मोटी से भी मोटी है। एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे हम। एक शर्त है और हमारी, तभी हम चल पाएंगे, पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे।
और दोनों मिलकर उसे चढ़ाए। जैसे ही मैंने कहा दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, दिल भाई खो गए कि हाय वहां हम क्यों नहीं हुए। तो दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, चढ़ी न अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। भाई ये चाय वाले आ गए तो मुझे चार पंक्तियां याद आ गई, चाय वाले आ गए मुझे चार पंक्तियां याद आ गई। हमारे एक मित्र हैं, सुनाइए। उन्होंने कहा यार हिंदुस्तान बिक रहा है, सारी चीजें बेची जा रही हैं। दिल भाई सुनिएगा, एक बात आपको और बता दूं, अगर आप हमारी कविताओं में छंद, बंद, बहर, व्याकरण और मात्रा ढूंढ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आप उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में विकास ढूंढ रहे हो। तो सुनिएगा चार पंक्तियां, इनको देख के याद आ गए कि रेल बेचा खेल बेचा, रेल बेचा तेल बेचा, कई कारखाने बेचा, बिजली खदाने बेचा देश की उड़ान को। रेल बेचा, रेल बेचा तेल बेचा, कई कारखाने बेचा, बिजली खदाने बेचा देश की उड़ान को। और कितनों की आहें बेचा, कितनों की चाहें बेचा, सपने बेचा दिन में रात अरमान को। और घंटी व अजान बेचा, घंटी व अजान बेचा, धर्म ईमान बेचा, बेच दिया गंगा जल और भगवान को। अब बेचने की आदत तो पुरानी रही आपकी, इसीलिए बेच रहे पूरे हिंदुस्तान। देखिए क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नजर साहब, वाह, इसीलिए बेच रहे पूरे हिंदुस्तान को। बेचने की आदत तो पुरानी रही आपकी, इसीलिए बेच रहे पूरे हिंदुस्तान को। मित्रों अब सभी जानते हैं कि मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। जैसे ही मोहल्ले से निकलता हूँ लोग हमसे पूछते हैं, जी नजर भाई, जी जी शकील भाई ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ ये दुनिया में कोई कह नहीं पाता, केवल मैं ही कह पाता हूँ। अच्छा। लोग हमसे पूछते हैं नजर भाई ये क्या है, ये क्या है। मैं आपको केवल एक बात बता रहा हूँ, एक सज्जन मिले बोले नजर भाई ये जीएसटी क्या है। मैंने कहा जीएसटी वही है जो केंद्र सरकार ने एक अच्छा सा टैक्स लगाया है, और क्या है। बोले नहीं आप व्यंगकार हैं, अपनी भाषा में कहिए। दिल भाई सुनिएगा, मैंने उसको सुनाया, मैंने बताया, मैंने कहा पांच आम पंच चुचुमुख, पांचों चुचुक मुचुक पंच चुचुमुख। उसने कहा जीएसटी क्या है, मैंने कहा पांच आम पंच चुचुमुख, पांचों चुचुक मुचुक पंच चुचुमुख, समझे। तो उसने कहा नहीं, तो हमने कहा फिर जीएसटी क्या समझोगे। ये पुछो तो पुछो कोई गवाह समझे नहीं। देखिए भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा अच्छा आदमी हूं, अब अपने बाप का अच्छा लड़का भी हूं, पुत्र भी बढ़िया हूं। हमारे पिताजी जब से रिटायर हुए हैं वो अपना सारा फंड पेंशन जाते हैं आश्रमों में, मठों में, साधु सधुआइन जोगी जोगन उनके ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन मेरे पिताजी डेढ़ साल से बहुत परेशान हैं। बोले नजर अब क्या होगा। मैंने कहा पिताजी हुआ क्या। बोले यार मैं जिस मठ में जाता हूँ, जिस आश्रम में जाता हूँ, वहाँ के जोगी जोगन साधु सधुआइन पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने कहा पिताजी लायक पुत्र हूँ, मैं पता करता हूँ। भाई साहब मैंने पता किया, दिल भाई केवल छह पंक्तियाँ, छह महीने में पता किया कि राजनीति ने संतों का कर डाला बंटा धार, राजनीति ने संतों का कर डाला बंटा धार, और योग गुरु को पड़ी पहननी शिष्य की सलवार, योग गुरु को पड़ी पहननी शिष्य की सलवार, और वही गुरुजी, वही गुरुजी, वही गुरुजी बेच रहे हैं केश कांति अब तेल, वही गुरुजी बेच रहे हैं केश कांति अब तेल, और एक शिष्य के चलते बापू काट रहे हैं, वही गुरुजी बेच रहे हैं केश कांति अब तेल, और एक शिष्य के चलते बापू काट रहे हैं जेल, और राधे माँ के घन चक्कर में साधु संत महंत, और राम रहीम का लगता हो गया है अब अंत, और एक जोगन तो बनी मंत्री, एक जोगन तो बनी मंत्री छोड़ के आश्रम द्वार, और एक जोगी तो चला रहा है यूपी की सरकार।
देखिए देखिए देखिए, जुल्फिकार भाई ने बहुत अच्छी महफिल सजाई है। ये ऐसा लग रहा है कि भोपाल का रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें एक साथ खड़ी हैं, जिसमें नए डिब्बे, पुराने डिब्बे, खटारे डिब्बे, रिजाला डिब्बा, हाँ, हर ढंग के डिब्बे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3-4 डिब्बे एसी के भी हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। देखिए हमारे शकील भाई कह रहे हैं कि वो भैया सुनिएगा, हमारे शकील भाई कह रहे हैं कि वो जो आज 7 बजे यहाँ पे आपसे एक बातचीत हुई थी उसको सुना दीजिए। भाई साहब, हमसे कहा गया था, इलाहाबाद से आया हूँ, कि कार्यक्रम 8 बजे शुरू हो जाएगा। हम लोग 7 बजे आ गए, यहाँ कोई माहौल नहीं था, कुछ लोग यहाँ पे 4-5 लोग थे। तो मुझे याद है कि सबसे पहले यहाँ कोई मुशायरे का माहौल नहीं था, इरफान भाई मिल गए हमको। तो इरफान भाई से हमने कहा कि इरफान भाई, आपका मुशायरा क्या 8 बजे तक शुरू हो जाएगा? इरफान भाई ने कहा, और का नहीं, हमें समझ में कम आया। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, हमको मिल गए आलम भाई। तो आलम भाई से मैंने कहा, आलम भाई आपका मुशायरा 8 बजे शुरू हो जाएगा? आलम भाई ने कहा, और का नहीं, हम समझ नहीं पाए। हमने कहा भाई बड़े लोगों का इलाका है, ऐसे ही बोला जाता होगा। तो हमने कहा किसी समझदार व्यक्ति से पूछते हैं। तो हमको मिल गए जुल्फिकार भाई। मैंने कहा जुल्फिकार भाई, आपका ये मुशायरा 8 बजे शुरू हो जाएगा? जुल्फिकार भाई ने कहा जी हाँ। मैंने कहा यार दो लोगों से यही पूछा तो उन्होंने कहा और का, अब आप कह रहे हैं जी हाँ, इसका क्या मतलब? तो जुल्फिकार भाई ने कहा कुछ नहीं नजर भैया, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा ओ, इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं कहें और का।